गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर हमने सेट जो चैप्टर स्टार्ट किया था उस रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल हमने सॉल्व किया है और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हमने ऑलरेडी लिया है वहाँ पे। सो आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो अब आज हम एक्सरसाइज 1.1 ले रहे हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 10। सो अभी यहाँ पे 1.1 लेने से पहले आपको नंबर सिस्टम मालूम होना चाहिए। नंबर सिस्टम में टाइप्स हैं। सो रियल नंबर मींस क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ओके, ये सब नंबर्स और उसके एग्जांपल्स कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज हम जब एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको जो दिया वाला जो रोस्टर मेथड में जो कुछ कंडीशन होगा, नहीं तो अनदर एग्जांपल्स होता है वहाँ पे हमें देखना चाहिए। चल देखो अभी क्या है। रियल नंबर्स, होल नंबर्स, जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ पे होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4। Then n is a natural numbers, so 1, 2, 3, 4, 5 positive numbers all. Then z is a integer numbers. अभी integer numbers में क्या होता है, minus भी value आता है, positive value आता है, it is a combination of both. Okay, not a point value, only integer values. So -4, -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, so on. Okay, और q is a rational number. Q is a rational number. So यहाँ पे पॉइंट वैल्यू चलेगा, माइनस भी आता है, डिवाइड में भी आता है। दिस एग्जांपल्स बिलोंग्स टू क्यू मींस रैशनल नंबर्स। और फाइनली यहां पे है आई। आई जो इंडिकेट करते हैं हम इरेशनल नंबर से इंडिकेट करते हैं। सो यहां पे √2, π और ऐसा कुछ तो बड़ा वाला पॉइंट वैल्यू आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल्स होगा। तो देखेंगे अभी यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1.1 का। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। सो क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ओके, अभी देखो आप सेट का डेफिनेशन आपको याद है। सेट मींस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मींस डेटा एज वेल एज एलिमेंट्स हम उसे कह सकते हैं। पर यहाँ पे जो सेट रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री मेथड्स है। सो फर्स्ट मेथड इज अ रोस्टर मेथड, सेकेंड इज अ सेट बिल्डर मेथड और थर्ड वन इज अ वेन डायग्राम मेथड। और तीन मेथड के जरिए हम यहाँ पे सेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सो डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में हमें शो करना है, सेट रिप्रेजेंट करना है। अभी रोस्टर मेथड में शो करते समय आपको कर्ली ब्रैकेट में लेना है और जो कुछ नंबर है, जो कुछ एग्जांपल है, जो कुछ कंडीशन है, उसे रोस्टर फॉर्म में लेना है। रोस्टर मेथड मीन्स टेक एलिमेंट्स बाय सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट वहां पे है। चलो अभी देखते हैं क्या है वहां पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक एग्जांपल दिया उन्होंने, ऑल एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैरिज। ओके, एक कुछ तो लेटर वर्ड है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 अल्फाबेट्स आर हियर, ऑल कैपिटल्स, 8 अल्फाबेट्स है। तो जो 8 अल्फाबेट्स जो वर्ड है मैरिज वर्ड, वो वर्ड को हमें क्या करना है, रोस्टर मेथड में शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और जो सेट होता है उन्हें हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ए सेट, बी सेट, कुछ तो उसे नाम देना चाहिए ना। सो चलो हम उसे क्या करेंगे, ए नाम देंगे, लेट लेट। ओके, ए इज इक्वल टू जो गिवन कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, उसे हम ए कंसिडर करेंगे, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वर्ड मैरिज। ओके, मैरिज। अभी देखो, अभी जो वर्ड है उसे हमें क्या करना, रोस्टर मेथड में शो करना है। अभी ये जो है रिप्रेजेंटेशन वो सेट बिल्डर मेथड में है। ओके, ये जो एग्जांपल सेट बिल्डर मेथड में है, इसे हम रोस्टर में कन्वर्ट करना। सो चलो अभी रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करेंगे। सो ए इज इक्वल टू इन रोस्टर फॉर्म में, अभी देखो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ए मैरिज जो वर्ड है वो मैरिज वर्ड को हम क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट कॉमा कॉमा लेके अल्फाबेट लेना है। अभी देखो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ले लो यम, so I'm writing here capital M. Okay, after that A. अभी देखो यहाँ पे जो A word है यहाँ पे two times है। Last time आप मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि यहाँ पे two times, three times word जो double आता होगा, number double आता होगा, तो हमें उसे one time लिखना है, एक ही बार उसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो M, then after that A. अभी देखो R R double है, तो write down the single format, single time लेना है। बाद में I, पहले आया था क्या, नहीं, चलो इट इज आई। देन ए ऑलरेडी भी राइट डाउन लिखा था हमने पहले ही। नेक्स्ट कौन है, जी, और फाइनली क्या होगा, ई। ओके, अभी देखो हमें टोटल वर्ड्स कितना था यहाँ पे, 8 वर्ड्स था, और हमें यहाँ पे कितना मिला है, 6।
बिकॉज जो रिपीट वर्ड है उसे हम वन टाइम लिखते हैं. यहाँ पे ए टू टाइम्स था तो हमने क्या कहा यहाँ पे वन टाइम लिखा है. सो यहाँ पे डबल आर 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 टू टाइम्स है सो दैट्स व्हाई राइट डाउन ओनली वन टाइम. ओके सो इस प्रकार हम रोस्टर मेथड में जो सेट बिल्डर मेथड जो है मेथड से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया स्टेटमेंट फॉर्मेट में उसे हमने क्या किया है रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया है रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया है. चलो अभी देखते हैं क्या करना है. दिस इज द फर्स्ट हो गया क्वेश्चन. देखो अभी सेकंड वन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेकंड. ऑल एक्स इज एन इंटीजर. ओके जो एक्स वैल्यूज है वो सभी एक्स वैल्यू इंटीजर वैल्यूज है तो हमें याद होना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू कौन कौन सा है. सो इट इज इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर हम कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं और उसमें क्या आता है माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर सो ऑन. सो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑल नंबर्स ओके वो भी इंटीजर नंबर होना चाहिए. ओके उसमें जीरो भी आता है तो यहाँ पे आप देखो माइनस वन बाई टू टू नाइन बाई टू तक वो पूरा रेंज है. अभी देखो माइनस वन बाई टू मीन्स क्या नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू पे तक लेना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दैट कंडीशन. सो बिफोर दैट इसे हम सेट बी कंसिडर करते हैं सेट ए कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देन एक्सपांड करते हैं. ए All x is an integer. Okay, and what the condition? 1 by 2 less than x less than 9 by 2. Okay, then चलो लिखा. अभी ये जो statement है open sentence है open interval बोल सकते हैं because यहाँ पे less than only है. Okay, चलो अभी देखो क्या करना है. यहाँ पे देखो आप minus 1 by 2 और 9 by 2 देखो क्या होता है. So इन दोनों के बीच में जो कुछ number होगा वो आपका होगा क्या यहाँ पे सेट होगा रोस्टर फॉर्म में. ओके तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं. तो देखो अभी क्या होता है यहाँ पे. ओके ओके सो देखो ये भी क्या करना है यहाँ पे. सो माइनस वन बाई टू टू नाइन बाई टू दिया है और यहाँ पे जो कुछ यक्स है जो यक्स नंबर आप लोगे वो नंबर इन दोनों के बीच में है एक नंबर है. देखो अभी क्या है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. अभी देखो एक टोटल वैल्यूज है वो क्या है जेड. जेड मीन्स इंटीजर वैल्यूज है. इट इज अ सेंटर पॉइंट जीरो इट इज अ माइनस वन इट इज अ माइनस टू इट इज अ माइनस थ्री इट इज अ माइनस फोर इट इज अ माइनस फाइव एंड सो ऑन. सो हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू व्हाट सेवन एट एंड नाइन तक लिया मैं. चलो अभी क्या करना है देखो अभी यहाँ पे. सो चलो यहाँ पे कुछ तो मेरे नंबर्स लिया है टोटल नंबर्स बिलोंग करते हैं जेड को. जेड मीन्स इंटीजर नंबर बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने कहा कि इट्स ए इंटीजर फॉर्मेट में है और इंटीजर नंबर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ओके देखो अभी क्या है यहाँ पे. सो माइनस वन बाय टू टू नाइन बाय टू तक जितने सारे नंबर होंगे वो नंबर क्या होगा हमारा एक्स होगा. एक्स को बिलोंग करेगा. अभी देखो क्या करना है. सो कंडीशन देखो क्या है. माइनस वन बाई टू मीन्स नेगेटिव साइड है और यहाँ पे प्लस नाइन बाई टू मीन्स पॉजिटिव साइड है. सो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे माइनस वन बाई टू जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो अभी यहां तक. सो माइनस एज इट इज. सो वन बाई टू का आंसर क्या आता है पॉइंट फाइव आता है डिवाइड करने के बाद. टू से डिवाइड करो वन को नहीं होगा जीरो पॉइंट टेन हो जाएगा. मतलब इंटीजर वैल्यू लेना है. ओके अभी देखो आप थोड़ा सोचो. आप बोलोगे सर इसको आपने डिवाइड किया है माइनस वन बाय टू दिख रहा है यहाँ पे नाइन बाय टू. जो वन बाय टू नाइन बाय टू मीन्स एक किसको बिलोंग करता है रैशनल नंबर को. बट फोकस ऑन कंडीशन. सो व्हाट इज द कंडीशन हियर. इट इज अ इंटीजर वर्ड है. इंटीजर मीन्स पॉइंट के पहले जो कुछ नंबर होगा वो आपका क्या होगा इंटीजर वैल्यू होगा. ओके देखो अभी क्या है यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं. देखो 15.23 कुछ तो दिया है. सो बिफोर पॉइंट जो कुछ नंबर होगा वो हमारा होगा इंटीजर वैल्यू और पॉइंट के बाद इसका मतलब पॉइंट के साथ जो कुछ नंबर आएगा वो होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट. वो क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते नहीं तो फ्लोट वैल्यू ऐसे आप बोल सकते हो. ओके फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं तो फ्लोट वैल्यू आप ऐसे कॉल कर सकते हो. ओके अब देखो क्या है. सो यहाँ पे बिफोर पॉइंट क्या मिलेगा हमें जीरो मिलेगा. बिफोर पॉइंट जीरो है और कहां तक गया पॉइंट फोर तक. इसका मतलब जीरो के बाद क्या आएगा वन टू थ्री. ये किसे बिलोंग करते हैं एक्स को बिलोंग करेंगे. ओके इसका मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा ए सेट यहाँ पे. सो व्हाट विल जीरो बिकॉज इट इज इंटीजर नंबर.
कहा माइनस से लेके पॉजिटिव 4.5 मींस यहां तक आपको वो रेंज है। सो इन बिटवीन जो कुछ नंबर होगा वो आपका नंबर होगा। देखो अभी भी जो नंबर है माइनस, उससे बड़ा कौन है x, माइनस के माइनस से बड़ा कौन है यहाँ पे जीरो, और 9/2 मींस 4.5, इससे छोटा एक ग्रेटर देन है ना, तो इससे छोटा, सो 4 से छोटा कौन आता है यहाँ पे 3, इसका मतलब नंबर क्या आएगा 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, और आल्सो आप 4 भी ले सकते हो, 4 क्यों ले सकते हो अभी बताओ। देखो 4 क्यों लेना, 4.5 इसका मतलब आप नेक्स्ट वैल्यू तक जा रहे हो, सो आप 4 तक भी यहाँ ले सकते हो। सो रेंज क्या होगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, इट इज अ रेंज, इट इज अ रोस्टर फॉर्म में आप सेट डिफाइन कर सकते हो। ओके, इट इज इंटीजर वैल्यू। ओके चलो, अब इट इज अ सेकंड वन, अभी क्या लेना है, थर्ड क्वेश्चन लेना है। चलो अभी थर्ड क्या है, सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, दैट x ऑल x इज इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू n, कुछ तो दिया है। चलो अभी थर्ड वन देखना है यहाँ पे। ओके, x ऑल x बिलोंग्स टू 2n, दे आर गिविंग अस कंडीशन, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन, 2n, ओके इज नॉट अ स्मॉल n, ओके एंड n बिलोंग्स टू n, ओके यही कंडीशन उन्होंने यहाँ दिया है। देखते भी क्या करना है यहाँ पे। ओके, n belongs to n, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंसिडर करो, लेट ए सेट कंसिडर करेंगे, x belongs to 2n and n belongs to n उन्होंने दिया है। चलो अभी कहां तक लेना है, क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां पे देखो आप फोकस करो, x belongs to 2n, इट इज अ कंडीशन, व्हाट इज द मेन कंडीशन हियर, x belongs to 2n, जो कुछ होगा नंबर वो हमें x को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n belongs to n, n means क्या है, natural numbers, n means natural number। अभी देखो आप यहाँ पे natural number का example क्या आता है, natural numbers का example, so n means 1, 2, 3, 4, 5, so on, आप कितना भी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके चलो अभी देखो क्या करना है, जो जो कुछ n का सेट होगा वो पूरा वैल्यू किसे बिलोंग करेगा, स्मॉल n को। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल जो वैल्यूज है, इसे वैल्यूज को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल n कह सकते हैं। ओके अभी देखो क्या है, सो मेन कंडीशन दैट रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सो a इज इक्वल टू, देखो अभी क्या है, x बिलोंग्स टू 2n, सॉरी इट इज 2n, स्मॉल n है यहाँ पे 2n। देखो अभी x बिलोंग्स टू 2n, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे क्या होगा, x वैल्यू होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लो n, n का नया वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू लो आप 1, सो यहाँ पे 2 इंटू 1, व्हाट विल द आंसर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके उसके बाद फिर कंडीशन इक्वेशन क्या है, 2n, अभी 1 हो चुका, चलो अभी क्या है नेक्स्ट वन 2, तो लिया मैंने यहाँ पे n का नया वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 व्हाट विल 4। ओके चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट नंबर लेना है 3, सो राइट डाउन हियर 3, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, नेक्स्ट नंबर लो 4, ओके सो ले लिया यहाँ पे 4, 2 into 4 क्या आ जाएगा 8, नेक्स्ट नंबर लो 5, सो लो यहाँ पे 5, 5 into 2 क्या हो जाएगा 10, लेकिन कहां तक लेना है, तो आप कितना ही ले सकते हो, वहां पे ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि n belongs to n, small n belongs to capital N, capital N means natural number, जो कुछ नंबर वहां पे होगा n, वो किसे बिलोंग करता है, कैपिटल n को बिलोंग करता है, मीन्स नेचुरल नंबर को यहाँ पे बिलोंग करता है। सो नेचुरल नंबर का सेट कितना नंबर्स है, 1 टू कहां तक भी लो पॉजिटिव नंबर आएगा पूरा, तो जो कुछ होगा सो पूरा सेट यहाँ पे अवेलेबल, सो हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ रोस्टर फॉर्म में। सो 2, 4, 6, 8, अभी 2, 4, 6, 8, 10 कैसा है यहाँ पे, जो वैल्यू नेचुरल नंबर का जो सेट था उसे हमने कंसिडर किया किया है स्मॉल n, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड में जो यहाँ पे उन्होंने दिया है x ऑल x जो कुछ वैल्यू होगा तो बिलोंग्स टू किसे, 2n को, एक कंडीशन को बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे n का नया वैल्यू क्या होगा 1, सो राइट डाउन यहाँ पे 1 लिखा, 2 into 1 2, नेक्स्ट लिया मैंने 2, 2 into 2 4, नेक्स्ट लिया 3, 2 into 3 6, इस प्रकार
आप कंटिन्यू ले सकते हैं, कुछ भी ना आप नंबर लो माइंड में आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके चलो, तो इस प्रकार हम इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का 3 क्वेश्चन हो गया। ओके चलो, अभी लेना है क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो वन बाय वन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं अभी यहां पे। ओके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग थिंग, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स सेट्स इन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज दैट ओके जीरो। ओके सो सेट में क्या आया यहाँ पे, जीरो आया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट विल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसीडर करो लेट ए इज इक्वल टू जीरो। अब ए कौन सा फॉर्म है, ए रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रेस्टर फॉर्म। तो इसे हम क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे शो करना है। अभी आप देखो यहाँ पे जो जीरो नंबर है, जो जीरो नंबर है, ओके सो ये होल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। जीरो इज अ एग्जांपल ऑफ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सो हमें ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर डिस्क्रिप्शन हुआ तो हियर जीरो इज अ होल नंबर, होल नंबर। ओके, जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बट नॉट नेचुरल नंबर। ओके अभी देखो कैसा लिख सकते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर जीरो इज अ होल नंबर, इसका मतलब क्या होगा, जीरो जस्ट हम कंसीडर करेंगे, जीरो को हम यहाँ पे एक्स कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर, जीरो को हम क्या करो, एक्स वैल्यू कंसीडर करो। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, एक जीरो किसे बिलोंग करता है, होल नंबर को, है ना। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे जो जीरो को हमने एक्स कंसिडर किया है, तो क्या कहो आप यहाँ पे कि एक्स बिलोंग्स टू, जीरो किसे बिलोंग करता है, होल नंबर को, और होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऐसे कह सकते हैं, एंड बट नॉट नेचुरल नंबर, इसका मतलब एक्स जो नंबर है वो किसे नहीं बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, इट इज नॉट नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। चलो वन सेकेंड मैं रिपीट करता हूं, आप देखो यहाँ पे। अभी थोड़ा आप बोलोगे सर आप ये जीरो बोल रहे हो, जीरो होल नंबर भी है और यहाँ पे जो इंटीजर नंबर है ना उसमें भी जीरो आता है, सो आप इसे इंटीजर नंबर भी कह सकते हो और होल नंबर भी कह सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने होल नंबर से स्टार्ट किया। देखो अभी क्या है यहाँ पे, जीरो जो नंबर है इज अ होल नंबर बिकॉज वो जीरो से स्टार्ट होता है, बट नॉट नेचुरल नंबर, वन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो तुम इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये रोस्टर फॉर्म है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। सो जीरो को मैं कंसिडर क्या करता हूँ, एक्स वेरिएबल कंसिडर करता हूँ। ओके सो एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स मीन्स क्या, जीरो जो नंबर है होल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, सो दैट्स व्हाई एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू बट नॉट नेचुरल, दैट्स व्हाई एक्स नॉट, एक्स मीन्स जीरो, एक्स मीन्स जीरो, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट वन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फाइनली क्या होगा, सो ए इज इक्वल टू ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होगा आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके इस प्रकार हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके चलो अभी नेक्स्ट वन। ओके सो बाद में क्या आएगा, इंटीजर नंबर भी है, इसे हम इंटीजर नंबर भी ले सकते हैं, बट इट इज सफिशियंट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जीरो मींस नंबर है वो, और नॉट अ एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट नहीं होता, वो कुछ तो उस सेट में वैल्यू है, वो कंटेन करता है, सो दैट्स व्हाई ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके
चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन है 0 ±1 ±2 ±3. ओके दैट उन्होंने कुछ तो दिया है, 0 ±1 ±2 ±3 एंड ±4 ऐसा कुछ तो दिया है. इसका मतलब क्या है पहले हम इसे कंसिडर करेंगे. लेट ए सेट, ए बी सी डी कुछ भी आप नाम दो, वैसा कुछ नहीं है. ओके चलो मैं ए नाम देता हूँ. ए नाम का सेट है, उसे मैंने ±1 ±2 ±3 एंड ±4. अभी देखते हैं क्या है, रेंज क्या कहता है और कहां से कहां तक लेना है, इसे हम देखेंगे अभी क्या करना है यहाँ पे. ओके अभी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे यहाँ पे, ये इंटीजर नंबर है या कौन सा नंबर है, अभी देखते हैं क्या करना है यहाँ पे. ओके चलो अभी 0 ±1 ±2 ±3 चलो मैं अभी क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइट डाउन 0 लिखा, प्लस 1 -1 -1 +1 नेक्स्ट +2 -2 +2 -2 नेक्स्ट +3 ओके +3 -3 ऐसे कुछ तो दिया है. ओके आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ तक यहाँ तक सिर्फ 3 है नॉट अ 4. ओके 3 तक दिया है उन्होंने, सो यहाँ पे लेना है +3 एंड -3. ओके चलो अभी आप देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 अभी ये इंटीजर नंबर जैसा दिखता है. ओके एग्जांपल किसे बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर को बिलोंग करता है. बिलोंग मीन्स क्या होगा वहां पे, जेड. बिलोंग मीन्स इसे हम जेड कह सकते हैं. ओके देखो क्या है, -3 से स्टार्ट होता है +3 तक एंड होता है, तो हमें इसे कह सकते हैं ये जो होल जो टोटल जो नंबर है उसे हम कंसिडर क्या करेंगे, एक्स. उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, ये एक्स है. अभी जो पूरा एक्स नंबर है, जो पूरे जो आपके पास जो नंबर दिख रहा है वो क्या है, पूरा इंटीजर नंबर है. ये पूरा क्या है, इंटीजर नंबर है. ओके इंटीजर नंबर को हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं. क्या कहते हैं, जेड कहते हैं. इसका मतलब जो कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, जो कुछ नंबर है उसे हम एक्स कंसिडर करते हैं, और ऑल एक्स वैल्यूज किसे बिलोंग करेंगे बच्चों, टू इंटीजर नंबर के साथ बिलोंग करते हैं. क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो पूरे नंबर्स है वो किसके एग्जांपल है, इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर कैपिटल जेड से हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. इसका मतलब जो कुछ भी नंबर यहाँ पे है उसे हमने एक्स कंसिडर किया है, और एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड. व्हाई जेड, बिकॉज ये जो नंबर है इंटीजर नंबर है, सो दैट्स व्हाई सभी जेड को बिलोंग करते हैं. सो हो गया अभी ये हमारा फर्स्ट कंडीशन. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, क्या होता है सेल बिल्डर में, ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड. हो गया, उसके बाद कंडीशन क्या है. अभी कंडीशन क्या होता है, देखो यहाँ पे हम -3 से स्टार्ट किया है और एंड कहां तक, +3 तक. तो -3 से स्टार्ट किया, एंड कहां किया, +3 तक लिया यहाँ पे. चलो अभी दोनों के बीच में क्या आएगा, हम एक्स को बिलोंग करते हैं ना, ये पूरा वैल्यू एक्स का है, सो देन राइट डाउन एक्स हियर. ओके अभी यहां पे क्या आएगा, सबसे बड़ा मुद्दा. सो यहां पे क्या आएगा, 3 से स्टार्ट करना और 3 तक खत्म करना, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3. इसका मतलब लेस देन, हाँ यदि मैं यहां पे ऐसा लिखता था -3 <x>3, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इतना ही रेंज आता है. इसका मतलब -3 से बड़ा और 3 से कम, 3 से कम मीन्स ए आएगा यहाँ पे. बट उन्होंने कंडीशन क्या दिया था, -3 भी है और +3 भी है, इसका मतलब क्या आएगा, -3 ≤ x ≤ 3. सो इट इज योर आंसर, ये होगा आपका सेट बिल्डर मेथड. ओके बहुत इजी है, दिमाग ठंडा रख के सॉल्व करना है. क्या करना देखो, पहले वन सेकंड रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे. सो इट इज अ क्वेश्चन, 0 ±1 ±2 ±3 दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसको सेट कुछ तो नाम दिया इसको, ए सेट. सो 0 फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस और माइनस, एक प्लस एक माइनस, +1 -2 +2 -2 +1 -3 +3 -3. अभी जो एग्जांपल है, जो पूरे नंबर्स, इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर नंबर, क्योंकि इंटीजर नंबर का एग्जांपल लुक लाइक दैट वन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर आता है. तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर नंबर को मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल जेड. ओके और जो पूरे नंबर्स है उसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स वैल्यू कंसिडर करूंगा, एक्स वेरिएबल. सो यहाँ पे जो कुछ नंबर है वो मेरा है एक्स,
किसे बिलोंग करते हैं? जेड को, क्यों? इंटीजर नंबर से। सो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स, ऑल एक्स, ऑल नंबर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन। अभी ये क्या करना है? सो देखो कहां से स्टार्ट है, माइनस थ्री, एंड कहां तक है, प्लस थ्री, दोनों को बीच में क्या आएगा, एक्स, मीन्स ये पूरा वैल्यू एक्स का है। ओके, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू क्यों आएगा, क्योंकि स्टार्ट माइनस से किया एंड प्लस की किया, सो दैट्स व्हाई लेस देन इक्वल टू। ओके चलो, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसका एग्जांपल का आंसर। अभी नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अरे यार, सो सेकंड में थर्ड था, सॉरी, चलो थर्ड वन। अभी थर्ड क्या है देखो, यहां पे थर्ड एग्जांपल इज दैट 1/2, 2/5, 3/10। ओके थर्ड वन, ओके 1/2, देन 2/5, देन 3/10, देन सॉरी, देन 4/17 आई थिंक सो शायद आएगा। ओके हाँ राइट, 17 है, देन 5/25, देन 26, 6/36 प्लस 1/37, 7/49 प्लस 50। ओके और आगे कहाँ तक है, वो 7 तक है, चलो सही बात। अभी देखो क्या है, कुछ तो नंबर दिया है उन्होंने, ठीक है दिया तो दिया, हम क्या करें। ओके दे आर गिवन अस सम नंबर्स। ओके चलो अभी क्या करना देखें यहाँ पे। ओके अभी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे यहाँ पे, थोड़ा फोकस करो, क्या करना है फोकस, देखो अभी क्या करना है। सो यहाँ पे देखो, सो इसे हम क्या करें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए कंसिडर करेंगे। सो व्हाट, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, देन 5/26, देन 6/37, देन 7/50 लिया। चलो अब इसके बाद थोड़ा आप ऑब्जर्व करो, एक कुछ तो कह रहा है, एक कंडीशन है, ये आंसर कैसा है, इसे पॉइंट में आंसर नहीं निकालना। अब थोड़ा देखो क्या करना है, ये जो वन है, जो ऊपर वाले जो नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहेंगे। ओके ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर। ओके मराठी में उसे अंश कहते हैं, अंश। ओके और इसे मराठी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, अंश, क्यों अंश, अब कुछ बोल, जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मराठी में उसे क्या कहते हैं, छेद, क्या कहते हैं, छेद कहते हैं। ओके चलो अभी अंश और छेद का बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, ऊपर वाला जो टर्म है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसे मैं कहूंगा यन कहूंगा, न्यूमरेटर जो पार्ट है उसे क्या कहूंगा, यन कहूंगा। ओके देखो ऊपर वाला पार्ट मींस क्या होगा यहाँ पे, अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो पूरा पार्ट है उसे मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, यन कहूंगा। अभी थोड़ा आप ऑब्जर्व करो, वन से स्टार्ट किया है और यहां तक कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब एग्जांपल किसका है रे, नेचुरल नंबर का है। ओके एग्जांपल किसका है, नेचुरल नंबर। ये पूरे बंदों को मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर कह सकता हूँ क्या, हाँ कह सकता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये किसे बिलोंग करते हैं, यन को बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये जो पूरे लोग हैं ना उसे हम यन कह सकता हूँ, और नेचुरल नंबर को मैं कैपिटल यन बोल सकता हूँ। सो यन बिलोंग्स टू यन, चलो एक तो हो गया हमारा, ऐसे कह सकते हैं। बट बिफोर दैट जो पूरा यन नंबर किसे बिलोंग, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। बट यहाँ पे कुछ तो कंडीशन है, कुछ तो फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या है फॉर्मूला देखो आप, थोड़ा जो न्यूमेटर है ना, न्यूमेटर ओके उसका स्क्वायर प्लस वन। अभी देखो टू का स्क्वायर क्या आता है, 4, 4+1, 5, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9, 9+1, 10, 4 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16+1, 17। इस प्रकार इसका मतलब क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं, न्यूमेरेटर है ठीक है, न्यूमेरेटर को मैंने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, कुछ तो देखो अभी मीन्स बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप। देखो आप न्यूमेरेटर है, उस न्यूमेरेटर का क्या करना है यहाँ पे, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर प्लस वन। मीन्स दैट फॉर्मूला कैसा होगा देखो अभी, यन मीन्स न्यूमेरेटर,
जो न्यूमरेटर है ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 इसे मैंने कंसिडर क्या किया है यहाँ पे n कंसिडर किया और डिवाइड में क्या करना है फॉर्मूला है व्हाट इज द फॉर्मूला न्यूमरेटर इसको मैंने कंसिडर क्या किया n स्क्वायर प्लस 1। तो देखो अभी जो फॉर्मूला एक फॉर्मूले के हिसाब से अभी हम ये पूरा सेट आता है एक फॉर्मूले के हिसाब से पूरा सेट आता है देखो अभी कैसा आता है देखो ओके देख रहा है ठीक है चलो देखेंगे अभी क्या है। सो देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा n means 1, ओके यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा n means 1, 1 square plus 1, 1 divide by, 1 square means 1, 1 plus 1 means क्या आएगा यहाँ पे 1 by 2, चलो मिल गया 1 by 2, ओके चलो अभी next one, फिर once again, n का वैल्यू मैं consider a 1 हो गया, अभी n का वैल्यू क्या लेता हूँ मैं 2, then formula क्या बोलता है n square means 2 का square plus 1, so 2 divide by, 2 का square क्या आता है बच्चों 4 plus 1 मीन्स क्या आ जाएगा 2/5 आ गया 2/5 ओके चलो नेक्स्ट वन फिर वंस अगेन क्या लेना है 3 लेना है n की वैल्यू क्या है अभी नया 3 सो 3 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 सो इट्स मीन्स दैट 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 प्लस 1 9 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों 10 आ गया 9 बाय 3 बाय 10 ओके फिर वंस अगेन 4 ले लो सो 4 बाय 4 स्क्वायर प्लस 1 So it means that 4 plus 4 का square क्या आता है 16, 16 plus 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 17, चलो मिल गया 4 by 17, फिर once again 4 हो गया, अभी लेना है 5, okay चलो 5 लेते हैं यहाँ पे, so 5 divided by 5 square plus 1, ये formula हमने अभी find out किया है, okay, so then 5 divided by 5 square क्या आता है यहाँ पे 25 plus 1, इसका मतलब क्या होगा 26, मिल गया 5 by 26 ओके उसी प्रकार से n का वैल्यू आप ले लो 6 ले लो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 36 प्लस 1 37 7 का स्क्वायर आता है 49 49 प्लस 1 50 सो इस प्रकार हमें ये फार्मूला वहां पे यूज करना पड़ेगा। अभी देखो रोस्टर फॉर्म में क्या सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है ये फॉर्म जो है एग्जांपल ये रोस्टर मेथड में है अभी इसे कन्वर्ट करना है किसमें सेट बिल्डर में तो देखो अभी क्या होगा यहां पे सो a इज इक्वल टू सो व्हाट विल All x belongs to n. First of all, sorry. Not a x. Okay. अभी देखो क्या होगा? यहाँ पे condition है. All x का जो है, पहले formula लिखो. N divided by n square plus one. All x को जो कुछ value होगा, वो क्या हो? Belong करते हैं इसे. N square plus one. Okay. उसके बाद क्या करना है? Okay. Condition क्या है? All x belongs to natural number. ओके जो हमने कंसीडर किया था ना उसे हम x अभी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे जो x पूरे n means 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने n नंबर लिया है और पूरे नंबर को हम x डिस्क्राइब करेंगे सो यहाँ पे देखो क्या होगा x belongs to n ओके देन सो व्हाट इज द फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा एंड में देखो जो अभी जो वैल्यू है कहां तक लेना हमें 7 तक लेना है कहां तक लेना है यहाँ पे 7 तक लेना है ओके जो पूरे नंबर है 7 उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे n कहेंगे सो n बिलोंग n लेस देन इक्वल टू 7 सो यहां तक हमें उसे लेना है ओके चलो वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे देखो जो एग्जांपल गिवन एग्जांपल हमें कौन से फॉर्मेट में है रोस्टर फॉर्मेट में है उसे हमें कन्वर्ट करना है कौन से कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करना है सो देखो यहाँ पे जो नंबर्स है जो ऊपर वाला जो माला है 1 2 3 4 5 6 7 उसे हमने क्या क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर ओके जो ऊपर वाले नंबर है मैंने n लिया 1 2 3 4 5 6 7 ओके अभी जो पूरे नंबर्स है उसे मैंने कंसीडर किया यहाँ x कंसीडर किया ओके इट इज x वैल्यूज ऑल वैल्यूज आर x और जो पूरे नंबर्स है नेचुरल नंबर जैसे दिखता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ओके इट इज अ नेचुरल नंबर्स सो पूरे जो नंबर्स है x बिलोंग्स टू n जो कुछ वैल्यू होगा x का वो किसे बिलोंग करते हैं n को बिलोंग करेंगे ओके और ये वैल्यूज को हम क्या कहते हैं n कहते हैं सो फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन होता है यहाँ पे नया वाला सो न्यूमरेटर मींस ऊपर वाला जो n है 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन उसको क्या करेंगे न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1 ओके देन सो यहाँ पे 1 बाय हमने वैल्यू लिया कैलकुलेट करेंगे हमें पूरा वैल्यू मिलता है सो फाइनली दैट इज द आंसर इसे हम सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं ओके सो इस प्रकार हमें ले सकते लेंगे ओके सो इट इज अ क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में 3 था सेकेंड में 3 था सो 6 क्वेश्चन वी हैव डन हियर सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बीट लेंगे सो आज के लिए इतना काफी है थैंक यू टू ऑल बाय एवरीवन।